Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों बॉलीवुड का दायरा इतना ज्यादा बड़ा है कि यहाँ कब कोई आता है और कैसे यहाँ से चला भी जाता है किसी को पता भी नहीं चल पाता। इस दुनिया में एंट्री करने के लिए तो आपको क्या क्या करना पड़ता है ये तो हम सभी जानते ही हैं। मगर यहाँ से निकलने में पल भर का भी समय नहीं लगता। खैर आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जो अपने शुरुआती फिल्मों से ही बहुत ही ज्यादा नाम और शोहरत कमा ली थी और भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में कई सारी हिट और जबरदस्त हॉरर फिल्मों का खूब बोलबाला हुआ करता था। और इस तरह की फिल्मों की जब भी बात होती है तो हमारे जेहन में सबसे पहले नाम आता है फिल्म वीराना का। जी हाँ, आज भले ही जमाना कितना भी एडवांस हो गया है मगर फिर भी राम से ब्रदर्स की इस फिल्म को लोग आज भी काफी पसंद करते हैं। यहाँ पर सबसे खास बात तो ये थी कि इस फिल्म में नजर आई अभिनेत्री जैस्मीन धुन्ना रातों रात मशहूर हो गई थी। फिल्म वीराना में जैस्मीन ने एक ऐसी भूतिया चुड़ैल का किरदार निभाया था जिससे लोग डरते कम थे और आहें ज्यादा भरते थे। और ये सब कमाल था डायरेक्टर के कैमरे का जिससे वो अपनी भूतनी को जब तक बाथटब में नहलवा नहीं देते और नाइटी पहनाकर एक दो गानों पर नचवा नहीं देते उन्हें लगता था कि डर वाली भूतनी तैयार ही नहीं हुई है। लेकिन जो भी कह लीजिए मगर जैस्मीन की खूबसूरती की वजह से फिल्म तो चली ही साथ जैस्मीन खुद भी लोकप्रिय हो गई। मगर उनकी इस खूबसूरती ने उनके लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या ला खड़ी की और इसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड ही नहीं बल्कि देश तक छोड़कर भागना पड़ा। जी हाँ, आपको बता दें कि वीराना फिल्म के बाद जैस्मीन के पास कई अंडरवर्ल्ड डॉन के फोन आने लगे और हैरानी की बात तो ये थी कि यह सभी अंडरवर्ल्ड डॉन अभिनेत्री जैस्मीन के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और इस बात ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया और डर के मारे वो भारत छोड़कर अमेरिका चली गई। बाद में जैसा कि लोगों द्वारा बताया जाता है जैस्मीन ने अमेरिका में ही किसी शख्स से शादी कर ली है और वही सेटल होकर फिलहाल अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रही है। आपको यह भी बता दें कि फिल्म वीराना के अलावा भी जैस्मीन 1978 में सरकारी मेहमान और 1984 में डाइवोर्स फिल्म में नजर आई थी। बताया जाता है कि इन सब वजहों से साल 1988 के बाद जैस्मीन अमेरिका में जाकर बस गई। इतना ही नहीं बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जाता है कि अब शायद वीराना फिल्म की सबसे हॉट अभिनेत्री जैस्मीन जिनके पीछे कई अंडरवर्ल्ड डॉन तक पड़े थे वो इस दुनिया में ही नहीं है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है और इस बात का भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि 1979 में बॉलीवुड में ब्रेक मिलने से पहले जैस्मीन क्या करती थी और कहाँ रहती थी।